नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सुखी दुखी संसार, और ये इतनी प्रेरणादायक कहानी है कि आप इसे बार बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों ये संसार एक शीश महल है। इस शीश महल में हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देता है। जो लोग इस संसार को आनंद का बाजार मानते हैं वो यहाँ पर सुख का आनंद लेते हैं, और जो लोग इसे दुखों का बाजार मानते हैं उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवा कुछ नहीं आ पाता है। मेरी बात समझ में नहीं आई ना? एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, मेरी बात अच्छी तरह समझ जाएंगे और बात बहुत सटीक है जो आपके जीवन में काम आने वाली है। एक शीश महल था। शीश महल की दीवारों पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल कुत्ता महल के अंदर घुस गया। जब उसने उन शीशों में से हजारों कुत्ते देखे तो उसे बहुत गुस्सा आया और उन पर भौंकने लगा। उसको भौंकते हुए शीशों में से उसकी प्रतिक्रिया दिखाई थी। जब उसने देखा कि हजारों कुत्ते मेरी तरफ भौंक रहे हैं तो वो डर गया और डरकर वहां से भाग गया। और बाहर निकलकर उसने सोचा कि इससे गंदी और बुरी जगह कोई नहीं है, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अब कुछ दिन बाद एक दूसरा कुत्ता उसी शीश महल में पहुंचा। दोस्तों कुत्ता बड़ा खुश मिजाज था, बड़ा जिंदा दिल था। महल में घुसते ही जब उसने देखा कि सैकड़ों कुत्ते खुशी खुशी उसे देख रहे हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वो खुश होकर इधर उधर घूमने लगा और उसे लगा कि सैकड़ों कुत्ते उसका स्वागत कर रहे हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसने ऐसा देखा था। और जब वो बाहर आया तो उसने कहा कि ये महल तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महल है और मैं बार बार जीवन में यहाँ आना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ आने से जो अनुभव मिला है, जो खुशी मिली है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। मेरा रोम रोम खिल उठा है। और फिर से आने का संकल्प लेकर वो वहां से चला गया। दोस्तों अब मेरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी वो सुनिए कि संसार एक शीश महल है और यहाँ पर हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। अगर हम खुश हैं और इस संसार को आनंद का बाजार समझते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होगा, और अगर हम दुखी हैं तो हम दुखी और कटुता के अलावा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। जीवन में बहुत प्रेरणादायक बात है, इसे अपनाएंगे तो जीवन बड़ा खुशहाल रहेगा। हम जीवन को जीते हैं कटुता के साथ क्यों जीना है? खुश होकर विनम्रता से, सज्जनता से, दयालुता से जिएंगे तो हमें वही दिखाई देगा। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।